हाथ में एक चीनी सादी रोटी है जो कि मैं ना ऐसे ही रोटी बेचने वालों के पास से खरीदा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटी ना बिजनेस की है, काफ़ी दो महीने से मेरे को ना बिजनेस अच्छा चल रहा, तो इसलिए ना मैं हमारे दोस्त को ना ये रोटी दे रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ जी। हाँ, साल में एक ही बार मिलेगा। हाँ, वो भी ईद के 10 दिन ही मिलेगा जी, और उनके 10 दिन मिलेगा जी, उसके बाद कभी भी आओ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, यहाँ के आपके घर के ऊपर दुकान को घर के ऊपर भी बन सकते हैं जी, ये गाड़ी को बन सकते हैं जी, आप इसे बच्चों के लिए जी जी, ये बड़ों के लिए जी, ये नींबू गाड़ियों के लिए जी, जैसा भी है इधर आके पूरा दिल में जो बन ले आपका नाम भैया? मेरा नाम नूरी है। नूरी भैया, हम लोग खाली मोहरम के 10 दिन ही रखते हैं। बेशक। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि भाई साहब की दुकान में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको लेने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कब तक है भैया? ये 20-25 तक मिलेगा, 24। नहीं मतलब कब तक रहेगा ये बंदिश? ये सब 24 डेट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सब, और आप आकर खरीद भी सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आइए तो इसी दुकान पे खरीदिए। भाई आप लोग कहाँ से हैं? मैसूर से। अच्छा, साइड की रोटी लेने ले लिए? मैसूर से आए हुए हैं तो भैया पहली बार आता है? नहीं, तीसरी बात है। मतलब पहले लिए थे तो भाई भी ना सही रोटी लेने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोटी लेने के लिए आते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले पार्ट में बताया था, ये भाई साहब भी औलाद की रोटी लिए, अल्लाह तबारक तआला इनको औलाद से नवाजे, आमीन। तो ये बंदिश का नाम अपने घर की सीढ़ी के जो खिड़की होती है ना वहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ना वहाँ पर तिलावत आते भी लगा सकते हैं, इससे घर में घरों बरकत आती है, मलायत घर में नहीं आती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको लेने की जरूर कोशिश करना, दो साल में एक बार ही मिलता है। अगर आप ज्यारत के लिए आएंगे तो तब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लेने के लिए। संजले शरीफ के टाइम आएंगे 7 मुहर्रम से तो आपको ये जरूर मिलेगा, तो आ रहे हैं तो जरूर इसको लेने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए जैसे कि मैं रसम पूरी करा था पानी डाल के 3 बार सर पे, तो ये भी पूरी कर रहे हैं। जिसको रोटी देते अपन 3 बार सर पे पानी डालना इसी समंदर का, वो भी 3 बार तुम्हारे सर पे डालेंगे। रोटी ले लेना, ले लेके अगले साल तुम आना देने के लिए, क्योंकि ना तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलाना, रोटी छोड़ने के लिए आना होता है। रोटी छोड़ने का मतलब यही होता है कि दोस्तों किसी और को रोटी दे, ताकि आगे वाले को भी ना बिजनेस अच्छा चले या आगे वाले की बीमारी दूर हो। तो इसी तरह से ये रसम यहाँ पर चलती है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग पानी में उतरते ना इसी रसम के खातिर उतरते, देख सकते हैं आप लोग इसी रसम को पूरी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पब्लिक आई है यहाँ पर। शादी की रोटी, शहद की रोटी, और आपके घर में जिन्नात बलायात कुछ भी हो उस तरह की रोटी, हर तरह की आपको इस पानी में रोटी मिलती है। और आप लोग अगर नियत कर लेके आएंगे सच्ची नियत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको जरूर रोटी मिलेगी इस पानी। भाई इल्म की रोटी मंगा, इल्म और आंखों की, पढ़ाई की, पढ़ाई की भी और आंखों की। अल्लाह तआला आप लोगों देख पा रहे हैं यहाँ पर हेल्थ कैंप भी है। जैसे कि आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी तो यहाँ पर आप फ्री में बता सकते हैं, ये भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जा रहा है। डॉक्टर अगर आ रहे हैं तो ना इसका भी लाभ उठाइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे डॉक्टर मिलेंगे। देखने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि दोस्तों सब वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में ना दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख बाबा, स्वागत है आपका बाबा के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम ज्यारत करने के लिए आए हैं 12 शहीद के पास, जो पिछले साल मैंने आपको वीडियो बताया था और उसमें हजरत की सारी हिस्ट्री बताया था, आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसी प्यार के खातिर मैं फिर एक बार आपका लेकर आया हूँ पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज ना मैं नेल्लूर शहर में जैसे कि आया हूँ ना, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना रोटी की करामत बताऊँगा, और इंशाल्लाह ताला सारे हजरतों की ना हिस्ट्री भी बताऊँगा, इन्हें 12 शहीद क्यों कहते हैं और यहाँ पर कैसा आना है, हैदराबाद शहर से हो या कर्नाटक से हो, आंध्रा से हो, कहीं से भी हो आप लोग यहाँ पर कैसा आना, ये भी आपको मैं डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, और सारी की सारी यहाँ की जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले ना मैं समंदर इलाके में हूँ दोस्तों, यहाँ पर का ना नज़ारा मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पर रोटी दिया जाता है, वो भी सिर्फ यहाँ पर ही रोटी मिलती है आपको,
यानी दरगाह शरीफ से नहीं मिलती है। अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद कहेंगे कि रोटी कहाँ मिलती है, तो आपको सीधा सीधा ना यहाँ पर तालाब की तरफ आना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ना नहा रहे हैं और एक दूसरे को रोटी दे रहे हैं। रोटी की रस्म क्या है इंशाल्लाह ताला ये भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, और आप लोग ना वीडियो में जुड़े रहिए बस। और हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ना ऐसे ही जानकारी के वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता हूँ। तो यहाँ पर ना दोस्तों लाखों की पब्लिक आती है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना आज को ना 9 मुहर्रम है, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आई है। तो पब्लिक इतनी छह बल के नक्को समझो, बहुत सारी पब्लिक आती है और बहुत दूर दूर से आते लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बिक रही है और रोटी दी भी जा रही है और रोटी की रस्म भी चालू है। ये सब क्या है मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँ। बस आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों। की तरफ है तो यहाँ पर ना बारामद बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और यहाँ पर रोटी किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से दिया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक खीटी सादी रोटी है, जो कि मैं ना ऐसे ही रोटी बेचने वालों के पास से खरीदा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटी ना बिजनेस की है, काफ़ी 2 महीने से मेरे को ना बिजनेस अच्छा चल रहा, तो इसलिए ना मैं हमारे दोस्त को ना ये रोटी दे रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। पूरी कर ली है और सर पे 3 बार पानी डालना होता है, तो अभी जैसा देखा ना उसी तरह से आप लोगों को भी करना होगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर लोगों को देख रहे होंगे कि यहाँ के लोगों की ना कुछ मन्नतें पूरी हो गई और जिसको जरूरत है ना वो भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ना दोस्तों पहले रोटी लेना पड़ता, तो रोटी लेके ना खा लेना पड़ता, समझो सेहत की हो, शादी की हो, बीमारी की हो, हर किस्म की आपको रोटी मिलेगी। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर बिजनेस की रोटी दिया जा रहा है, भाई साहब का बिजनेस अच्छा चला था, अल्लाह तबारक ताला ने बरकत अता करे, तो ये सबको रोटी दे रहे हैं। ये देखिए जैसे कि मैं रसम पूरी करा था पानी डाल के 3 बार सर पर, तो ये भी पूरी कर रहे हैं। जिसको रोटी देती है अपन 3 बार सर पर पानी डालना इसी समंदर का, वो भी 3 बार तुम्हारे सर पर डालेंगे। रोटी ले लेना, ले लेके अगले साल तुम आना देने के लिए, क्योंकि ना तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलाना, रोटी छोड़ने के लिए आना होता है। रोटी छोड़ने का मतलब यही होता है कि दोस्तों किसी और को रोटी देख, ताकि आगे वाले को भी ना बिजनेस अच्छा चले या आगे वाले की बीमारी दूर हो। तो इसी तरह से ये रस्म यहाँ पर चलती है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोग पानी में उतरते हैं ना इसी रस्म के खातिर उतरते हैं, देख सकते हैं आप लोग इसी रस्म को पूरी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पब्लिक आई है यहाँ पर, ये जितना भी समंदर है ना दोस्तों इतने समंदर में ही रुके हुए रहते हैं लोग, और इसी रस्म के खातिर रुके हुए रहते हैं। कुछ लोग ना पानी में तीरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये रस्म के लिए आए हैं, ये मौज मस्ती के लिए भी उतरते हैं लोग। और यहाँ पर ना दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तालाब को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, काफ़ी लोग का इंतकाल हो चुका था इसलिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आके घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ना दोस्तों पानी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि आपके ना कमर तक आएगा पानी, उससे ज़्यादा नहीं है पानी। छोटे बच्चे लोग और बड़े लोग यहाँ पर पानी में उतर सकते हैं, लेकिन आने का सही तरीका, आने का सही तारीख सिर्फ एक ही है दोस्तों, 7 मुहर्रम। 7 मुहर्रम से आप 13 मुहर्रम तक आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ना संदले शरीफ भी होगा और मुहर्रम का महीना होगा, बहुत ही अच्छा होगा। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पर ना वही रस्म चालू है, और 7 मुहर्रम से तो ना बिल्कुल भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी रस्में पूरी कर लेते हैं। जो बीमारी है ना दोस्तों ज़रूर यहाँ पर आने की कोशिश कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जनों को शिफायत मिली है इसी रोटी से। तो आप लोग अभी आ रहे तो ज़रूर आइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ना बहुत ही अच्छी सेफ जगह है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आने के बाद फ़ायदा हुआ है। आप लोग भी यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करें, अल्लाह तबारक ताला आपका सफ़र यहाँ आने के लिए आसान करे, आमीन सुमा आमीन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हर तरफ रोटी की रस्म चालू है, तो यहाँ पर बिजनेस की रोटी, शादी की रोटी, सेहत की रोटी, और आपके घर में जिन्नात बलायात कुछ भी हो उस तरह की रोटी, हर तरह की आपको इस पानी में रोटी मिलती है। और आप लोग अगर नियत कर लेके आएंगे सच्ची नियत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको जरूर रोटी मिलेगी इस पानी में।
जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे बैक साइड ना यहाँ पर ना कुछ कपड़े और जाली लगाए हुए हैं, तो यहाँ से आगे नहीं जाने का है, क्योंकि ना यहाँ से आगे जाने के बाद ना पब्लिक डूब जा रही थी, इसीलिए ना इसी वजह से ना यहाँ पर एंडिंग कर दी है। तो यहाँ पर तालाब की एंडिंग नहीं है, बल्कि ना तालाब बहुत ही ज़्यादा भारी और बड़ी है, तो इसीलिए ना यहाँ पर इतने में ही तीरने के लिए करें, अगर हद पार ज़्यादा करेंगे तो पुलिस वाले ना डंडे बिल्कुल बचाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं ना आपको रोटी की करामत के बारे में बता दिया, तो चलिए अब मैं आपको हज़रत की ज़्यारत कराऊंगा। ज़्यारत ही नहीं दोस्तों, हज़रत की हिस्ट्री भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। बस वीडियो में जुड़े रहिए। ये सारे की तरह तालाब के बारे में तो बता दिया मैं इंशाल्लाह ताला, अब हज़रत की मैं आपको ज़्यारत भी कराऊंगा सारे 12 शहीदों की, और इंशाल्लाह ताला ना हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो वीडियो में बस जुड़े रहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता ना सीधा सीधा ना दोस्तों हजरत के पास जा रहा है, तो मैं आपको ना 12 शहीदों के पास लेकर जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो चलिए हजरत की ना ज़ियारत कर लेते हैं, और हिस्ट्री भी इंशाल्लाह ताला सुनाने की साथ ही साथ कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हज़ारों की नहीं लाखों की पब्लिक है, और अपने अपने मन्नतें मुरादों के लिए आए हैं। चलिए किसी से पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी रोटी लेने के लिए आए थे और किस लिए आए थे, ये भी पूछ लेते हैं। भाई आप लोग कहाँ से हैं? मैसूर से। अच्छा, शहद की रोटी लेने ले लिए? मैसूर से आए हुए हैं, तो भैया पहली बार लगता है? नहीं है, तीसरी बात है, मतलब पहले लिए थे, बहुत अच्छी है। तो भाई भी ना शहद की रोटी लेने के लिए आए हैं, तो लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपना रोटी लेने के लिए आते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले पार्ट में बताया था, ये भाई साहब भी औलाद की रोटी लिए, अल्लाह तबारक तआला इनको औलाद से नवाजे, आमीन। दोस्तों सबसे पहले ना यहाँ पर यकीदा बहुत बड़ी चीज़ है, आप रोटी जब ले रहे ना तो यकीदा करके खाना चाहिए, और जब आप रोटी ले रहे ना दिल में ये भरोसा रखना चाहिए कि मैं ये रोटी खा रहा हूँ और मेरे को ना इससे फ़ायदा होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। कई लोग तो ऐसे ही रोटी खा लेते हैं जिनकी मन्नतें नहीं होती है। अब जब रोटी हाथ में ले रहे हैं तो दोस्तों ये नियत करके खा ले कि ना मेरे को अल्लाह तबारक ताला ना ये बीमारी से दूर करेगा, या मेरा बिज़नेस आगे बढ़ाएगा, या मेरी शादी होगी, मेरे को औलाद होगी। ये बहुत ही बड़ा यकीदा अपने दिल में रखना चाहिए, तो अल्लाह तबारक ताला ना आप सब की ना मन्नत को पूरी करे इस रोटी को खाने के बाद। यहाँ पर आ रहे हैं तो दोस्तों रोटी के लिए ही आई है, ज़्यारत के लिए आई है, इंशाल्लाह ताला आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। मैं तो बस यकीदा की ही बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने दिल में यकीदा रखिए, ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला मन्नत पूरी। अल्लाह तबारक ताला आपका सफ़र यहाँ आने के लिए आसान करे, आमीन सुबह आमीन। बस नियत कर लीजिए।
पढ़ाई की अल्लाह तबारक ताला आपको दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये बारा शहीद के दरबार में जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग बहुत कम है, बल्कि नक्को समझो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इतनी पब्लिक लाखों की नहीं करोड़ों की पब्लिक नज़र आएगी। ये रास्ता ना पूरा बंद रहता है, आज 9 मुहर्रम है ना, तो दोस्तों पानी पड़ने की और हवाएं तूफान आने की वजह से पब्लिक बहुत कम दिख रही, लेकिन दोस्तों ये रास्ता इतना जाम रहता है 7 मुहर्रम से कि पूछो मत। अल्लाह तबारक ताला ना इतना मौका दिया है मेरे को कि यहाँ पर आप सबको बता सको और खुले खुले में बता सक रहा हूँ, नहीं तो हर साल की वीडियो में ना पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, सही से मैं वीडियो ले नहीं पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे दोस्त करीम जुड़े हुए थे, तो इन्हों ना वीडियो को रिकॉर्ड करें और मेरे को बहुत ही आसान हुई यहाँ पर आने के लिए। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर पब्लिक बैठे हुई है, लेकिन ना माशाल्लाह बहुत ही कम है पब्लिक, और इतना सुकून से जा रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग कर लेते कि आप पूछो मत। और अल्हम्दुलिल्लाह ना बहुत ही आसानी से मैं पहुँचा, बहुत ही अच्छा हुआ ये साल को। अल्लाह तबारक ताला आप सबका भी सफ़र इसी तरह से आसान करे। दोस्तों रोटी की रस्म के बारे में मैं आपको जैसा कि बता दिया, तो अपने हजरत की ज्यारत कराएंगे अल्लाह ताला, चलिए हजरत 12 शहीदों की इस वीडियो में ज्यारत कराएंगे। दोस्तों ये रास्ता सीधा ना सीधा अंदर कमान में है, कमान में से जाने के बाद ना सारे के सारे 12 के मज़ारात मौजूद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना और एक खासियत मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ना आसपास जितने भी दुकाना लगे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर ना बंदिश का नारियल दिया जाता है, जैसे कि घर को लगाने से ना दोस्तों खैर व बरकत रहती है, भूत जिन्नात बलायात ये सब दूर होते हैं इंशाल्लाह ताला। इसकी भी पूरी जानकारी मैं दे दूँगा। और हमारे एक दोस्त मेरे को नूरी भाई बोल के मिले थे, माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज्यारत कराने के बाद ना इस नारियल के और नींबू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ना 12 शहीदों की ज्यारत कर लेते हैं, और आपको ना नारियल के नींबू के बारे में ये भी बताऊँगा, और ये कैसा लेना है और ये सब कब मिलेगा इंशाल्लाह ताला ये भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बस वीडियो में जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए अब ना हजरत की ज्यारत करते करते हजरत की हिस्ट्री बताऊँगा, तो चलिए इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री शुरू करते हैं। दोस्तों नेलूर की ये दरगाह 12 शहीद की जो है, ये 12 शहीद की दरगाह बहुत ही ज़्यादा नेलूर शहर में मशहूर है, और ये दरगाह दोस्तों यानी कि बेंगलुरु से 380 किलोमीटर की दूरी पे है, और हैदराबाद से दोस्तों 455 किलोमीटर की दूरी पर ये दरगाह पड़ती है। चेन्नई जो करीब होता है ना दोस्तों, खाली ना 175 किलोमीटर की दूरी पे है ये दरगाह। दोस्तों ये दरगाह ना रोटी के नाम से ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि यहाँ पर ना दोस्तों रोटी की बहुत ही बड़ी करामत चलती है, और इसी को ना जिंदा करामत कहते हैं, सुभान अल्लाह। दोस्तों 12 शहीद की ये दरगाह में ना 12 शहीद यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन ना दोस्तों ये 12 शहीदों के नामा क्या है आज तक ये कोई नहीं जानता, पर दोस्तों एक नाम यहाँ ज़रूर सुनने को आया है 12 शहीद का, जिसका नाम है हज़रत ज़ुल्फ़िकार रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों कहा जाता है कि ना ये 12 शहीद ना मुर्के तुर्किस्तान से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ पर ही अपना गुजारा गुजारे और यहाँ पर ही दीन इस्लाम की तबलीग कर सके। दोस्तों जब ये 12 शहीद है इंडिया को तशरीफ़ ला रहे थे ना, तो कई सिटियों में ये ला अपना गुजारा गुजारे, लेकिन ना बस गए यहाँ नेलूर शहर दोस्तों में। दोस्तों 12 शहीद जहाँ पर इनके मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर मेन इनके मज़ार शरीफ नहीं है, बल्कि ना गंडावरम बोलकर एक गाँव है, तो 12 शहीद के शहीद पूरे वहीं पर ही रहने लगे थे तुर्किस्तान से आकर, और वहीं पर ना दोस्तों ये दीन इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया था, सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ना हजरतों के दुश्मन हो गए और ना हजरत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों 12 शहीद के शहीद इस्लाम को बचाने के लिए जंग करते रहे और इस्लाम को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, सुभान अल्लाह। इसी जंग में दोस्तों उन जालिमों ने हजरतों को पूरे शहीद कर दिया, और ना हजरत ने हार ना मानी और इसी इस्लाम के खातिर ये जंग करते रहे। लेकिन दोस्तों अफसोस इन 12 शहीदों को ना उन जालिमों ने शहीद कर दिया। लेकिन दोस्तों ये 12 शहीद ना अल्लाह और उसके रसूल के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, सुभान अल्लाह। दोस्तों कहा जाता है कि उन जालिमों ने ना हजरत के 12 के 12 को अलग से धड़ से सर को अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों ये जिंदा करामत देखिए आप, अल्लाह वालों की शान देखिए, ये जब लड़ रहे थे तो जंग से सर जब सर मुबारक अलग हो गया, तब भी ये लड़ना नहीं छोड़े, उन जालिमों का खात्मा कर दिया बिना सर। कहा जाता है कि जिस दिन हजरत के सर मुबारक जिस्म से अलग हुए तो ना सर के ये लोग आए थे हजरत पूरे,
तो कहा जाता है कि यहाँ पर ही हजरत को गुसूल देकर बिना गुसूल के यहाँ पर दफन कर दिया गया था, क्योंकि ना दोस्तों शहीद होने वालों को ना बिना गुसूल के ही दफन किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर ना गंडावरम, जहाँ पर तुर्किस्तान से हजरत तशरीफ़ लाए थे ना, वहाँ पर हजरत के ना 12 के 12 सरे मुबारक के मज़ार शरीफ आज भी मौजूद है। दोस्तों हजरत के मज़ार शरीफ नेलूर शहर में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हजरत को दफन जब किया गया था ना, कुछ ही दिन गुजरे थे कि यहाँ से तमिलनाडु के आर्काट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर नवाबों की सिटी हुआ करती थी। और दोस्तों उस दौर में ना नवाबों की बहुत ही ज़्यादा हुकूमत हुआ करती थी। और दोस्तों एक नवाब की बीवी जो आर्काट में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, तो उनकी बीवी बहुत ही ज़्यादा ना बीमार थी। और वो ख्वाब में देखती है कि अगर वो उस बीमारी से शिफा चाहती है तो ना ये दरगाह में हाजिरी दे। और उस वो ना अपने शौहर से कहने लगी कि बारा शहीद की मुझे बशारत हो रही है। जैसे ही वो नवाब ने ये सुना तो झट से वो नेलूर चले आए और ये बारा शहीद की दरगाह को ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते दोस्त नवाब को ना ये मज़ार शरीफ मिली, और यहाँ पर ही नवाब की बीवी को शिफायत मिली, सुभान अल्लाह, और वो बिल्कुल पूरी तरह से सेहतमंद तंदुरुस्त हो गई। ये जिंदा करामत देखकर ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ नवाब। और ना इसी दरगाह की जितनी भी ज़मीन है ना, वो पूरी ज़मीन खरीद कर दरगाह के लिए पूरी वक्फ कर दिया गया इस ज़मीन को। दोस्तों इसी वक्फ के साथ साथ ना ये दरगाह शरीफ की तामीर होती ही रही, सुभान अल्लाह। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि ना हजरतों का नाम उरूस शरीफ कब आता है, तो मुहर्रम के ना 11-12-13 के दिन हजरत का उरूस शरीफ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ना बहुत ही दूर दूर से पब्लिक आती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे ना दोस्तों, कई पब्लिक दूर दूर से आती है और यहाँ पर ही शिफायत पाती है। तो बहुत सारे लोग उम्मीद पे आते हैं, अल्लाह तबारक ताला सबकी उम्मीदों को कायम रखे और सबकी जायज़ मन्नतों को पूरी करे, आमीन सुबह आमीन। मैंने देखा है कि दोस्तों ऐसे ऐसे बीमारियों में मुब्तला है लोग के ना, अल्लाह तबारक ताला सबकी बीमारियों को शिफायत दे, आमीन। तो चलिए ज़ियारत मुकम्मल कर लेते हैं। तो हजरत के पास ना बरकत के पैसे भी मिलते हैं, ताकि मतलब आपके कारोबार में बरकत हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए के पास ना पैसे किस तरह के पैसे दिया जाता है लोगों के लिए, तो उनके बरकत मिलते हैं पैसों में पैसे रखने के लिए। तो आपको ना ये पैसे ना चेंज करके एक्सचेंज करके दिया जाता है। जैसे कि आपके पास ना पैसे हैं समझो, तो किसी सिक्के को आपको देना होगा, तो खाली सिक्के को देंगे तो आपको ना बरकत के पैसे यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग अभी आ रहे तो इसको लेने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ना बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं ये पैसे। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको लेने की जरूर कोशिश करना दोस्तों, इस साल में एक बार ही मिलता है। अगर आप ज्यारत के लिए आएंगे तो तब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लेने के लिए। संजले शरीफ के टाइम आएंगे 7 मुहर्रम से, तो आपको ये जरूर मिलेगा। तो आ रहे हैं तो जरूर इसको लेने की पूरी कोशिश कीजिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये गाड़ी को बनने के लिए होता है और ये नारे घर के लिए होता है, ये आपको बनना चाहिए। आपको निर्णय से क्या होता है, बलाया झूठ कैपियन ये सब कुछ नहीं होता है। और ये जो रेक है ना दोस्तों, ये गाड़ी को बनने के लिए होता है। अगले साल में आपको इसी दुकान पे मैं आपको बताया था ये सब। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ये नारियल क्या होता है, ये नींबू क्या होता है। तो इसमें आप यही बताने की पूरी कोशिश कर, जितने भी भाई लोग दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं यहाँ पर कमान के पास आपकी दुकान देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जरूर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 12 मुहर्रम तक अवेलेबल है। क्योंकि आम दिनों में अगर आप आएंगे तो आपको ये बंदिश बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साल में एक ही बार मिलती है, जैसे कि नींबू और ये नारियल। भैया ये बताइए, तावीज़ के लिए होती है ये? आगे तबीयत के लिए,
जी के लिए घर में बरकत कारोबार जिसमें भी प्रॉब्लम हुआ तो जी आपके लिए ये अपन ताबीज दिया जाता है, ध्वन कर जाता है, एक बार इधर लेके अंदर जाके सब कर ले सकते हैं। जी हाँ, इसका नारा है जी हाँ, साल में एक ही बार मिलेगा हाँ, वो भी ईद के 10 दिन ही मिलेगा जी, फौरन के 10 दिन मिलेगा जी, उसके बाद कभी भी आओ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ के आपके घर के ऊपर दुकान हो घर के ऊपर भी बन सकते हैं जी, गाड़ी को बन सकते जी, आप इसे बच्चों के लिए जी जी, ये बड़ों के लिए जी, ये नींबू गाड़ियों के लिए जी, जैसा भी है इधर आके पूरा दिल में जो बोल ले तो बोल लेके अपन अल्लाह से कर लेके मान लिए तो सब ठीक हो जाता हाँ। तो भैया आप ये बताइए नारियल का कितना प्राइस है, कितना रेट है? नारियल का हम लोग 300 रखे हुए हैं, कोई बार्गेन करेगा तो 250 में भी दे देते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर ज्यादा ले लिया तो 250 में दे देते जी। भैया आपका नाम? भैया मेरा नाम नूरी है। नूरी भैया हम लोग खाली मोहर्रम के 10 दिन ही रखते हैं। बेशक आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि भाई साहब की दुकान में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इसको लेने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कब तक है भैया? ये 20-25 तक मिलेगा, 24 नहीं मतलब कब तक रहेगा ये बंदिश? ये सब 24 डेट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सब, और आप आकर खरीद भी सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आइए तो इसी दुकान पे खरीद लीजिएगा, कमान के बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। आपका नाम? नूरी भैया रहेंगे इस दुकान पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज 9 मुहर्रम है और पब्लिक बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको बताया कि आज पानी आने की वजह से और ना तूफ़ान ज़रा ख़राब होने की वजह से पब्लिक बहुत कम आई है, लेकिन ना कितनी कम दिख रही पब्लिक, कितना खुला खुला दिख रहा ना। अगर आप कल 10 मुहर्रम के दिन देखेंगे तो शायद परेशान हो जाएंगे। इसी वीडियो में ना दोस्तों 10 मुहर्रम भी बताऊँगा मैं इंशाल्लाह ताला। वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों के लिए झूले हैं, बड़ों के लिए भी झूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ज़्यारत भी कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साल तो गुजर गया है, इंशाल्लाह ताला अगले साल आने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं किस्म किस्म के झूले लगे हैं। अगर अपन दरबार शरीफ से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ये सब नज़ारे देखने को मिलेंगे, और इसी के आगे ना मस्जिद शरीफ है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, शायद आप लोगों को पूरे नेलोर में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगे हैं और बड़ों के लिए भी है समझो, क्योंकि ना बड़े बड़े झूले हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर अपनी कमाई पूरी करने के लिए, दूर दूर से लोग अपना कारोबार करने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक ताला उनको भी बरकत अता करे और उनके कारोबार में बरकत दे, आमीन सुबह आमीन। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हेल्थ कैंप भी है, जैसे कि आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी तो यहाँ पर आप फ्री में बता सकते हैं। ये भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जा रहा है, डॉक्टर अगर आ रहे हैं तो ना इसका भी लाभ उठाइए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे डॉक्टर मिलेंगे। देखिए
आपको दोस्तों आम खास मिल रहा है आप लोगों को ना 1 बजे के टाइम से दिया जाएगा, यानी 17 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। तो मानिए 9 तारीख से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज को 10 मुहर्रम है, तो आज तो टू मच पब्लिक है, पूछो न को। यहाँ पर पानी की तरफ जहाँ पर रोटी मिलती है ना, इतनी सारी पब्लिक है कि आप लोगों को ना एक दूसरे को मिलना भी नामुमकिन होगा अगर कोई अपनों के साथ आ रहे तो। देख सकते हैं आप लोग कितने सारे लोग हैं यहाँ पर रोटी के लिए, और तकरीबन ना आज ही ज़्यादा लोग आए हैं। बेहतर है कि आप लोग ना 7 मुहर्रम से आ जाइए, क्योंकि ना ज़ियारत भी अच्छी सी होगी और रोटी भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप लोग लेट आएंगे ना दोस्तों, तो ऐसे हाल में ना आपको रोटी भी नहीं मिलेगी और सही से ज़ियारत भी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हज़रत की ज़ियारत भी हो गई, आज को 10 मुहर्रम है और बहुत ही सुकून से पूरी ज़ियारत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया, जैसे कि वो साल को भी बताया था और ये साल का तो थर्ड पार्ट था। इंशाल्लाह ताला अगले साल का फोर्थ पार्ट ज़रूर ले लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।